हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के सेशन में, लेक्चर नंबर 9 में, हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में सॉल्व करने वाले हैं, व्हिच इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। अब आपको पता होना चाहिए रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बेसिस पे हमने कुछ फॉर्मूलेज डिराइव किए थे, करेक्ट है, जिसमें आपका एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, ये वाला, दैट वॉज P01 which is equals to W2 upon M2 into M1 upon W1, correct है? तो ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, और इस फॉर्मूले के बेसिस पे आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। बट इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता दो, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, बिकॉज न्यूमेरिकल बहुत लेंथी जाएगा तो इसको सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा और ज्यादा जगह कंज्यूम करेगा, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन ध्यान से देखो, पढ़ो एंड ट्राई टू गेट सम गिवन डेटा, करेक्ट है। जब आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में से गिवन डेटा निकालने का ट्राई करो, एटलीस्ट अगर आपको एक हाथ दो गिवन डेटा मिल भी गया तो आपको समझ में आना चाहिए आपको क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद अगर आपको नहीं आ रहा तो वीडियो को प्ले करो और उसके बाद आगे का मेथड ध्यान से देखना, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, फटाफट में एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूं और उसके बाद साइमल्टेनियसली मैं आपको यहां पे एक एक गिवन डाटा निकाल के बताता हूं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान से, अच्छा एक गलती आप लोग ये करते हो, क्वेश्चन देख के उसको निग्लेक्ट मत किया करो, ठीक है, कि क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ तो इसका आंसर तो बिल्कुल आने वाला है नहीं। अगर आप सोच ही ऐसे रख रहे हो तो बेटा न्यूमेरिकल्स कभी आप लोग सेक्शन 1 में सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्लियर। एंड सेक्शन 1 की अगर आप बात करो तो न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया करो, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, किसका दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया गिवन डेटा में, सबसे पहले फर्स्ट वन मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। चलो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मैंने सिंबल क्या बताया था, दैट वॉज पी, करेक्ट है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या सिंबल बन जाएगा, पी। अब मुझे बताओ कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस मच केजी ऑफ सॉल्यूट। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू यहां पे सीधा सीधा पुटअप करके आते हैं। बेटा वेपर प्रेशर का यूनिट कभी भी केजी में होगा क्या, नहीं, तो ये वाला वैल्यू यहां पे पुट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो पहले, ठीक है। सॉरी, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 13 × 10⁻³ केजी ऑफ सॉल्यूट इन 0.1 केजी ऑफ वॉटर एट 298 केल्विन इज 27.371 mmHg, क्लियर, समझ में आ गया। जब आपने इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इतनी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जब आपने डाला तो उसका वेपर प्रेशर मुझे कितना मिला, 27.371 mmHg। तो इसका वैल्यू बनेगा 27.371 mmHg। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमारे पास दी हुई है। अब मुझे बताओ, यहां तक पहुंचने से पहले हमारे पास क्वेश्चन में और दो चीजें मेरे पास दी थी। देखो ध्यान से, 13 × 10⁻³ केजी ऑफ अ सॉल्यूट, जहां पे आपका यूनिट केजी के फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी अ मास, क्या बन जाएगा, मास। तो यहां पे आ जाएगा मास ऑफ अ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट कौन सा है, मुझे कुछ दिया हुआ है क्या, सॉल्यूट क्या है, शुगर है, ग्लूकोज है, कुछ और है, कुछ यहां पे मेरे पास दिया हुआ नहीं है, तो नहीं दिया हुआ है तो उसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली राइट इट एज मास ऑफ अ सॉल्यूट। चलो, मास का सिंबल क्या बताया था मैंने, W, सॉल्यूट बोला मतलब क्या हो जाएगा, 2, तो W2 इज इक्वल्स टू, फटाफट बताना वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 × 10⁻³ kg, क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑफ अ सॉल्यूट इन, बराबर, मतलब अब इसको डिसॉल्व किया गया है, ठीक है, डिसॉल्व किसमें किया हुआ है, 0.1 केजी ऑफ वाटर। तो मुझे बताओ जिसमें डिसॉल्व करते हो उसको आप लोग क्या कहोगे, दैट इज अ सॉल्वेंट। तो यहां भी इस बार मेरे पास दिया हुआ है मास ऑफ अ सॉल्वेंट, बट क्लियरली मुझे यहां पे बोला हुआ है ना कि सॉल्वेंट कौन है, यहां पे वाटर है, तो ब्रैकेट में यहां पे लिख देने का H2O, ये हमारा सॉल्वेंट
सॉल्वेंट होगा, ठीक है। चलो मास का सिंबल क्या बताया था मैंने, W, इस बार सॉल्वेंट दिया हुआ है तो नीचे आ जाएगा 1, क्लियर, समझ में आ गया। चलो कितना दिया हुआ है, 0.01 kg, ठीक है। कन्वर्जन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिकॉज यहां पे भी केजी के फॉर्म में, तो यहां पे भी आपका केजी के फॉर्म में दिया हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताना, इस बार मुझे पता ना सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट कौन है यहां पे, H2O, तो इसका मतलब मैं यहां पे मोलार मास निकाल सकता हूं, ऑफकोर्स निकाल सकता है, तो यहां पे आ जाएगा मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। स्टूडेंट सॉल्वेंट कौन है यहां पे, दैट इज H2O। अब सर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपने सॉल्यूट का मोलार मास क्यों नहीं निकाला, तो बेटा यहां पे सॉल्यूट कौन है मुझे पता है क्या, नहीं। तो जब तक मुझे वो चीज पता नहीं चलेगी तब तक मैं मोलार मास कैसे फाइंड आउट करूं। अगर मेरे पास बोला हुआ है कि यहां पे आपका सॉल्वेंट H2O है तो उसका मैं मोलार मास कैलकुलेट कर सकता हूं, बराबर। चलो मोलार मास का सिंबल दैट इज M, सॉल्वेंट बोला मतलब 1, क्लियर। तो M1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कैसे निकालते हो बताया था मैंने मोलार मास, फटाफट हाइड्रोजन H2O का निकालना है ना, यहां पे रफ में करके बता रहा हूं, हाइड्रोजन दो बार दिया हुआ है मतलब H2 प्लस ऑक्सीजन एक बार दिया हुआ है, ऑक्सीजन 1, क्लियर। चलो हाइड्रोजन का मास बनेगा 1 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 1, ठीक है। 2 1 2 16 1 16 = 18, ठीक है। तो ये आपको जबानी याद होना चाहिए, बार बार सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, वाटर दिया होगा तो 18 ही आएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट बन जाएगा ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, समझ में आ गया। चलो लास्ट वन, मेरे पास एक और चीज दिया हुआ है, देखो लास्ट में ब्रैकेट में मेरे पास एक और चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर, करेक्ट है। मुझे बताना वॉटर हमारा क्या था, सॉल्वेंट था, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, वॉटर हमारा क्या था, सॉल्वेंट था। तो मैंने यहां पे लिखना है वेपर प्रेशर ऑफ, किसका बोला हुआ है, सिर्फ वॉटर दिया हुआ है, मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्या दिया हुआ है, H2O, ठीक है। तो ये बन गया प्योर सॉल्वेंट। अब फटाफट मुझे बताना इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा, वेपर प्रेशर मतलब P, प्योर बोला मतलब नॉट, सॉल्वेंट मतलब 1, सो P0 1 का वैल्यू मेरे पास यहां पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, गिवन 28.065 mmHg, क्लियर, समझ में आ गया, यहां तो किसी को डाउट है। तो ये सारे गिवन डेटा हमारे पास मिल गए, और फाइनली क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट, किसका वैल्यू निकालना है, कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। तो यहां पे लिखना है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट, फटाफट बताना, मोलार मास का मतलब बनेगा M, सॉल्यूट मतलब 2, समझा। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, M2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, फटाफट। अब मेरे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखना, वहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला P0 1 minus P upon P0 1 which is equals to W2 into M1 upon M2 into W1, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब जरा चेक करना है सारे वैल्यूज हमारे पास गिवन है या नहीं, P0 1 का वैल्यू दिया हुआ है, यस सर, P का वैल्यू भी दिया हुआ है, W2 का वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, M1 भी मिल गया, W1 भी मिल गया, सिर्फ मुझे कैलकुलेट किसको करना है, M2 को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है ना स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने घर पे एक बार ट्राई करना और मुझे इसका आंसर बताओगे, सिर्फ सॉरी वैल्यूज पुट अप करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। फटाफट मुझे बताना P0 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 28.065 minus P का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहां पे, 27.371 whole divided by किसका वैल्यू, P0 1 का वैल्यू चाहिए, सेम वैल्यू 28.065 which is equals to, correct है, which is equals to, अब बताओ W2 कहां पे दिख रहा है, यहां पे 13 into 10 raise to minus 3 into M1 की वैल्यू, M1 कहां पे दिख रहा है बेटा, यहां पे 18 दिया हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा आपका 18 whole divided by नीचे मेरे पास दिया हुआ है M2 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, तो M2 को सेम as it is रखो, into बाजू में W1 का वैल्यू कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स, 0.1, तो यहां पे आ जाएगा 0.1, समझा। ये दोनों को माइनस करना है,
माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा यहां पे पुट अप करो, डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू रखना है, करेक्ट है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो बाय यूजिंग लॉग, ठीक है। तो लॉग अप्लाई कर लो और उसको सॉल्व करना है। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट अपने घर पे एक बार ट्राई करो, नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। क्यों? बिकॉज हमने सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताए थे, जो कि मैंने लॉग अप्लाई करके किए थे, ठीक है। तो आप लोगों ने भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, गिवन डेटा निकालने का काम मेरा था, गिवन डेटा निकाल दिया, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो भी बता दिया, एंड वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट करके दिए हुए हैं। अब एक बार ट्राई करो, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज एक बार वापस पूछ लेना, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो वापस बना दूंगा कैलकुलेशन वाले पार्ट पे, ठीक है। समझ में आ गया, फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, अगले क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे फटाफट। ओके, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, सेकंड क्वेश्चन। जैसा लोगों ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरीके से आपको मैंने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ, सिर्फ आपके वैल्यूज चेंज किए हुए, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपके टेक्सुअल एग्जांपल्स नहीं है, बट सिमिलर उसी तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना है। पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो सो दैट आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के जो क्वेश्चन रहेंगे ये आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से समझना। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, स्टूडेंट बात समझ में आ रही है, वापस मैंने आप एक गिवन डेटा निकाल के देना है, कैलकुलेशन पार्ट आपका, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मतलब यहां पे बेंजीन किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। तो चलो सबसे पहला मेरे पास गिवन डेटा मिल गया, वेपर प्रेशर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपने पूरा लिखना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, करेक्ट है। प्योर सॉल्वेंट कौन है हमारा यहां पे, बेंजीन, तो ब्रैकेट में चाहो तो बेंजीन लिख सकते हो चलेगा, ठीक है। चलो सिंबल क्या बनेगा, P01, ठीक है, पिछले बार बताया था P01 कैसे हुआ। चलो कितना वैल्यू दिया हुआ है, इज 640 mmHg, तो यहां पे आ गया 640 mmHg, इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ध्यान से समझना, अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉरी अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मास कितना दिया हुआ है, 2.175 × 10⁻³ kg, मतलब यहां पे मेरे पास सॉल्यूट का मास दिया हुआ है ना, तो यहां पे आ जाएगा मास ऑफ अ सॉल्यूट, करेक्ट है, मास ऑफ अ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट कौन है मुझे पता है, यहां पे सिर्फ इतना बोला हुआ है एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अगर मुझे पता होता कि सॉल्यूट कौन है तो उसका मैं मोलार मास भी निकाल लेता, ठीक है, समझ में आ गया। चलो मास का सिंबल बनेगा W, सॉल्यूट बोला मतलब 2, कितना दिया हुआ है, 2.175 × 10⁻³ kg, एग्जैक्ट क्लियर। चलो अब इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है किसके अंदर, 39 × 10⁻³ kg ऑफ बेंजीन, क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास मास ऑफ अ सॉल्वेंट, फटाफट मुझे बताना सॉल्वेंट कौन है यहां पे, बेंजीन, ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। चलो मास ऑफ अ सॉल्वेंट, मास बोला मतलब W, सॉल्वेंट मतलब 1, कितना दिया हुआ है, 39 × 10⁻³ kg, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके बाद मुझे बताना मास ऑफ अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है बच्चा यहां पे, बेंजीन, करेक्ट है, तो इसका मैं मोलार मास निकाल सकता हूं ना, तो यहां पे आ जाएगा तुरंत उसके नीचे मोलार मास ऑफ अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है यहां पे स्टूडेंट्स, दैट इज बेंजीन, करेक्ट है। अब सॉल्व करेंगे बेंजीन का फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H6, करेक्ट है, कैसे कैलकुलेट करना है, C × 6 + H × 6, ठीक है, कार्बन का बन जाएगा 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 6, ठीक है, 12 × 6 बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे 72 प्लस 6 × 1 = 6 व्हिच इज इक्वल्स टू 78, क्लियर। तो यहां पे आ जाएगा किसका वैल्यू, M1 का वैल्यू, ठीक है, कितना मिला मुझे 78 g mole inverse, ठीक है, समझ में आ गया। चलो और कुछ मेरे पास यहां पे दिया हुआ है क्या, हाँ सर एक और चीज हमारे पास दी हुई है, देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो यहां पे एक और चीज आ गई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट है, मतलब सिंबल क्या बनेगा, पी, कितना दिया हुआ है, 600 mmHg, ठीक है, सो फार सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब मुझे बताओ
क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना है। सेम चीज जो हमने लास्ट वाले में कैलकुलेट किया था, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मतलब हमें कैलकुलेट करना है एम टू की वैल्यू, ठीक है, समझ में आ गया। तो सेम क्राइटेरिया फॉलो करो, सेम फॉर्मूला यहां पे आएगा, पी नॉट वन माइनस पी अपॉन पी नॉट वन विच इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टू इंटू एम वन अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन, ठीक है। फटाफट सारे वैल्यूज हमारे पास गिवन है, पी नॉट वन का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 640 माइनस पी का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 600, करेक्ट है, होल डिवाइडेड बाय 640 विच इज इक्वल्स टू W2 का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है 2.175 into 10 raised to minus 3 into, ठीक है, M1 का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है 78, तो यहां पे आ जाएगा 78 whole divided by M2 की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, तो M2 as it is रखना है, M2 into W1 कहां पे चला गया, W1 का वैल्यू दिया हुआ है 39 into 10 raised to minus 3, समझ में आ गया। कैलकुलेशन आपके हाथ में सौंप रहा हो, कैलकुलेशन ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है, और इसको पहले माइनस कर लो, माइनस करने के बाद डिवाइड कर लेना और यहां पे एक सिंगल आंसर निकाल के रेडी रहो, फिर उसके बाद M2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉग, ठीक है, समझ में आ गया। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, दोनों क्वेश्चन के गिवन डेटा फॉर्मूला और कैलकुलेशन सब्स्टिट्यूशन पार्ट मैंने करवा के दिया हुआ, कैलकुलेशन और फाइनल रिजल्ट आपने मुझे निकाल के बताना है, ठीक है। स्टिल अगर कुछ डाउट रहेंगे, कुछ अगर नहीं समझ में आ गया रहेगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता दो, सर ये चीज हमें क्लियरली नहीं समझ में आई, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, टिल दैट स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।